स्टूडेंट कैसे आप, नीरज कुमार क्लास में आपका स्वागत है। आज का वीडियो होगा हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग डिस्कस किए हुए थे। उसमें हम लोग जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर AS मीन्स होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, ठीक है। कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन MCQ में पूछते हुए दिया जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, तो वो 10 में है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर फॉर्म में है उन पार्टनर को एडजस्ट कर दिया जाता है गुडविल का अमाउंट, उसका एडजस्टेड इंटर व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो उस समय क्या पास किया जाएगा एंट्री गुडविल का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका दो कंडीशन है, एक है इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन कैपिटल और इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल में क्या है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड कैपिटल होगा तो गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिक्स्ड होगा तो करेंट लगेगा और फ्लक्चुएशन होगा तो कैपिटल लगेगा, बस ये याद रखिएगा। अब बात आया फ्लक्चुएशन और फिक्स्ड, इसका वीडियो में बता चुका हूं फ्लक्चुएशन कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग टेक्निक क्या है, तो देखो अकाउंटिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अकाउंटिंग टेक्निक है, तो ये देख सकते हो। पहले सबसे पहले इसमें सैक्रिफाइस और गेन निकालना है, फिर गेनिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल में, और उसका जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो और अच्छे तरह से क्लियर होगा, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए यही क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन देखिए आप, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर था जिसका प्रॉफिट लॉस था 3:2 था, और दे नाउ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल, बाद में डिसाइड किया कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फॉर दिस पर्पस ऑफ गुडविल हैज बीन वैल्यूड 60,000, जबकि गुडविल कितना है 60,000, मतलब गुडविल पूरे फर्म का 60,000 रुपये दे दिया। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको गुडविल निकालना पड़ेगा, और आपको गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, हम बता चुके हैं 3 मेथड में होता है वो हम डिस्कस किए हुए थे। पास जर्नल एंट्री, तो इसका जर्नल एंट्री पास किया था सबसे पहला, क्योंकि हम 3 टेक्निक स्टेप बताए यहाँ पर अकाउंटिंग टेक्निक में। तो सबसे पहला काम होगा आपका क्या कि पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहला काम होगा आपका कि कैलकुलेशन करना, क्या कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, ठीक, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। तो पहले ए का निकालेंगे, तो ए का निकालोगे तो रूल था ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड है आपका 3/5, न्यू है आपका 1/2, इक्वल पार्टनर, तो 5 × 10 = 6 − 5, तो 1/10। आपको बताया था जब प्लस में आता तो उसको सेक्रीफाइस बोलते हैं, ये सब क्लियर कर चुके हैं, वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। 2/5 − 1/2 10 × 5 = 4 × 2 = 10 −1/10, तो ये माइनस में गया तो ये गेन हो गया, ठीक है। मतलब सेक्रीफाइस और गेन तो निकल गया, जब सेक्रीफाइस और गेन निकल गया तो फिर इसको क्या करना होता है, उसको गेन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गुडविल का अमाउंट को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे ए गुडविल, तो 60,000 रुपये टोटल गुडविल दिया हुआ था, 60,000 × 1/10 तो हो गया 6,000। फिर बी गुडविल 60,000 × 1/10 6,000, मीन्स ये गेन हो गया और ये सेक्रीफाइस हो गया। तो एंट्री हम क्या बताया था, देखो अब इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कर रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएट है, तो हम लोग फ्लक्चुएट मानकर चलेंगे, ठीक है। फिक्स्ड कैसे बोलेगा सर, फिक्स्ड कैसे बोलते, आपको लिख देगा कि वहाँ पे ए एंड बी आर फिक्स्ड कैपिटल, तो हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मानेंगे, ठीक है। जब आपको बताएं जब फ्लक्चुएशन कैपिटल होता है तो उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा ए, क्योंकि सेक्रीफाइस टू गेनिंग होता है, तो सेक्रीफाइस टू गेनिंग होगा तो एंट्री हो जाएगा आपका सेक्रीफाइस कौन किया, ए किया, तो यहाँ लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यहाँ तक कोई दिक्कत, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। और सॉरी एंट्री हम गलती लिख दी है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस होता है, अभी थोड़ा पहले बताएं गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस, आप लोग भी यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है। गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस होता है, गेन आपका किया बी,
तो यहाँ लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, तो 6000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ से नारेशन लिख देंगे, ठीक, यहाँ से आप क्या करोगे, नारेशन आप रिकॉर्ड कर दोगे, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट एडजस्टेड एडजस्टेड ऑफ गुडविल, बस, ठीक है। तो ये कंडीशन था आपका गुडविल का ट्रीटमेंट करने का। कोई डाउट यहाँ तक है कि कैसे आप गुडविल को पास फाइंड आउट करेंगे? और अगर गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको गुडविल निकाल लेना पड़ेगा गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो पे, ठीक है। तो गुडविल और सैक्रिफाइस रेशियो पे देखिए, जब क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया हुआ था तो आपको देखो ये क्वेश्चन है, एक्स और वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग पी प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2, मतलब 5:3:2 ओल्ड रेशियो दे दिया हुआ है, दे डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ इक्वली, फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली दे दिया हुआ है, गुडविल शुड बी वैल्यूड 2 ईयर्स परचेज, जो कि 2 साल परचेज का है दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट, तो आपको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मालूम है, टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ पे उसके थ्रू आप गुडविल निकाल लोगे। जब गुडविल आपका निकल जाएगा फिर आप सेक्रीफाइस रेशियो और गेयरिंग रेशियो निकाल दो और फिर एंट्री फाइंड आउट कर दो, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, ठीक, क्लियर यहाँ तक। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा गुडविल कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अगर वीडियो समझ में आ चुका है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।